पूरे देश में कोरोना संक्रमण से बचने के उपाय किए जा रहे हैं। जवा के यूनियन बैंक शाखा में कोरोना से बचने के लिए सैनिटाइजिंग मशीन लगाई गई है, जिससे आने जाने वाले सभी ग्राहकों को कोरोना से बचाया जा सके। त्योंथर तहसील में यूनियन बैंक ने पहली सैनिटाइजर मशीन लगाई। शाखा प्रबंधक विकास धनकर का कहना है कि क्षेत्रीय कार्यालय रीवा द्वारा दिए गए सुझाव अनुसार ये मशीन लगाई गई है। ये मशीन शाखा प्रबंधक विकास धनकर ने स्वयं के खर्च पर लगाई है, जिससे बैंक में प्रवेश करने से पहले लोगों को सैनिटाइज किया जा सके। इसके साथ ही अभी और भी बैंकों में सैनिटाइजिंग मशीन लगाने की कवायद की जा रही है। देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देश सेवा में तत्पर रहता है और इसी कड़ी को अग्रसर करते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हम लोगों को सुझाव दिया गया था कि अपने क्षेत्र की समस्त शाखाओं को अपने ग्राहकों का उचित ध्यान रखना चाहिए। इसी कड़ी में तराई क्षेत्र की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जवा शाखा तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अतरेला शाखा दोनों के द्वारा आपसी सहयोग से ये निर्णय लिया गया कि हम भी जितना हो सके जवा के ग्राहकों को सुरक्षित रखने के लिए किसी न किसी प्रकार से सैनिटाइजेशन रूम की व्यवस्था करें, जिसके बारे में उचित मार्गदर्शन के लिए हमने जवा ब्लॉक के BMO श्री NK पांडे जी से भी सुझाव प्राप्त किए। श्री NK पांडे जो कि वर्तमान में जवा तहसील में जवा ब्लॉक में BMO हैं, उनके द्वारा दिए गए सुझावों के साथ कार्य करते हुए और जवा में ही उपलब्ध जितने भी सीमित संसाधन हैं उनका प्रयोग करते हुए शाखा द्वारा ये एक छोटा सा प्रयास किया गया है अपने तराई क्षेत्र के ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। इसके तहत शाखा जवा द्वारा एक सैनिटाइजेशन कक्ष का निर्माण किया जा चुका है। इसी कड़ी में शाखा अतरेला के लिए एक और कक्ष का निर्माण कार्यरत है, जो कि संभवतः सोमवार सुबह तक उपयोग के लिए तैयार रहेगा और सोमवार सुबह से ही अतरेला शाखा के भी समस्त ग्राहकों को इस प्रकार की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।